morning all of you. Today we will be discuss topic polynomial of class 9, whole division work. My first question, prove that ya represent root 2 plus 1 on the number line. आपको रिप्रेजेंट करना है रूट टू प्लस वन ऑन द नंबर लाइन. वी नो दैट रूट टू इज इक्वल टू 1.414. लेकिन आप नंबर लाइन पर इसको दिखाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एग्जाम में आता है तो आप पेंसिल से ड्रॉ करना है. अभी हाफ ईयरली एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है तो आप पेन से भी बना सकते हो. सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन पर आप जीरो से स्टार्ट करो, कुछ डिस्टेंस को वन यूनिट मान. क्या मान लिए? जीरो और वन सेम यूनिट, सेकेंड है, टू यूनिट, थ्री यूनिट, यानी इसी नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है रूट टू प्लस वन. आप रिप्रेजेंट करोगे रूट टू प्लस वन, तो रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, वन से ग्रेटर और टू से लेस, तो एक अप्रोक्स आपका यहां पर आएगा और फिर प्लस वन बढ़ जाएंगे यूनिट. तो रूट टू रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रो ए परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ए. इस पॉइंट ए पर आप 90 डिग्री का एंगल बना देना, यानी परपेंडिकुलर ड्रो कर दोगे. अगर ये वन यूनिट है तो सेम लेंथ इस पॉइंट से यहां पर एक आर्क ले लेंगे. जैसे आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी का लेंथ इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी लेंथ आपका आ गया वन यूनिट. वन यूनिट ज्वाइन ओ सी और ओ सी को ज्वाइन कर दोगे. एक कैसा ट्रेंगल फॉर्म हुआ? ए बी सी इज राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट बी. ए बी सी इज राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट बी. इन राइट एंगल, और इसको आइसोसेलस, राइट आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल कह सकते हो. रीजन ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये भी वन यूनिट है और ये भी लेंथ को वन यूनिट माने, तो आप पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से आप ए सी फाइंड कर सकते हो. तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी वन यूनिट, लेंथ ऑफ बी सी इज ऑल्सो वन यूनिट, यानी वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर. वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन और वन प्लस वन रूट अंडर टू यूनिट, यानी आपका ए सी इज इक्वल टू आया रूट टू यूनिट, यानी इसका लेंथ हम फाइंड कर दिए रूट टू यूनिट. आपको रूट टू को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था. किसको करना था? तो रूट टू को नंबर लाइन पर
रिप्रेजेंट करना है। अब इस रूट टू को रिप्रेजेंट कर दो, कंपास से एसी का लेंथ को हम आर कैसे प्रोड्यूस करें। जो लेंथ एसी है वही लेंथ आपका ए से लेकर के डी तक होगा, इस पॉइंट को हम डी नाम दे देंगे। यानी एडी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू रूट टू यूनिट। क्या हो गया? रूट टू यूनिट। अब आप क्योंकि रूट टू प्लस वन है तो यहां से डी से जो वन यूनिट माने थे सेम लेंथ यहां से आगे बढ़ रहा डी और ई कर दिए। यानी डी ई यानी ए ई इज इक्वल टू इस ए ई को जहां हम ई पॉइंट दिए यहां ए पॉइंट है, यानी ए ई इज इक्वल टू ए डी प्लस डी ई ए डी और प्लस डी ई। और ए डी हम पहले से फाइंड किए हुए रूट टू और डी ई इज इक्वल टू वन यूनिट, यानी ए ई इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन यूनिट। यही रिप्रेजेंट कर दिए आप नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट करके दिखा दिए कि ए ई इज इक्वल टू रूट टू और प्लस वन यूनिट। क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो इस टाइप का हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में पूछता है। अब है हम एक पॉइंट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे रूट अंडर 4.3। हाँ हाँ बोलो। हाँ अब पॉइंट का बताना है ना। अब ठीक है 9.5 का ही बता देंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है वही हम बता देते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 और द नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन। हम कुछ स्पेस रहने देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करो, इसका नाम इस लाइन पर जो स्क्वायर रूट के अंदर है 9.3, आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 9.3। तो आप एक
पॉइंट ए से 9.3 यूनिट ले लो बी तक, ये 9.3 यूनिट क्या हुआ, या तो 9.3 सेंटीमीटर ले लो या 9.3 मीटर ले लो, मीटर पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको यूनिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यूनिट। तो हम लिख देंगे कि टेक ए पॉइंट ए लाइन सेगमेंट, टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी 9.3 यूनिट्स। क्या ले लिए? ये हम 9.3 यूनिट्स ले लिए। यूनिट में सेंटीमीटर में तुम ले लो। अब इस बी सी को फिर प्रोड्यूस करो, बी सी ऑल्सो सेकेंड में बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर ये 9.3 है इसका लेंथ, तो इसको आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दो। कितना प्रोड्यूस कर गए? 1 यूनिट बढ़ गए। ये 9.3 अब प्लस 1, ठीक है। अब आप ए सी का मीड पॉइंट फाइंड करो, बी या ओ इज द मीड पॉइंट, मीड पॉइंट ऑफ ए सी। अब इसका मीड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे ए और सी का? तो यहां से हाफ से ज्यादा एक आर्क लोगे टॉप पर और सेम आर्क ले लेंगे बेस में, तो टॉप मिलेंगे और बेस में मिलेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मीड पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीड पॉइंट। क्या आपको मीड पॉइंट फाइंड करने के लिए आ गया? क्या किए? फाइंड द मीड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मीड पॉइंट क्या आ गया? ओ। एज ए ओ ए, एज ए रेडियस, आप ओ ए को रेडियस मानो, ड्रॉ ए सेमी सर्किल ऑफ ओ ए एज ए रेडियस। आप इतना को रेडियस, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर, ये आपका रेडियस है। क्या ड्रॉ किए? ड्रॉ ए सेमी सर्किल। फोर्थ स्टेप में ड्रॉ सेमी सर्किल। यहां तक क्लियर है? ऑल्सो हमको मेन इस आर की जरूरत नहीं था, केवल मीड पॉइंट फाइंड करना था। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब आप इस बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। इस पर बी पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किए, जिसका नाम दे दिए सर्किल को इंटरसेक्ट किया डी पर, स्केल से ज्वाइन ओ डी, फाइव में ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी ऑन ए सी ज्वाइन ओ डी, और ओ डी को ज्वाइन कर दिए। सिक्स, अगर आप इतना बना लिए तो जो लेंथ ए बी का था सेम लेंथ आपका आ जाएगा रूट अंडर। अगर ये लेंथ 9.3 है तो बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3, यानी ये लेंथ क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू 9.3, और इस लेंथ को कंपास से आप ऐसे प्रोड्यूस करो। देखिए BD को, जो BD लेंथ है वही आपका ओरिजिनल लेंथ है, जो BD है और उसी लेंथ को आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, तो D के बाद हो गया E, यानी BE, यही आपका BE इक्वल टू रूट अंडर 9.3 यूनिट आ गया। यही रिक्वायर आप नंबर लाइन पर दिखाए, BD इक्वल टू BE रूट अंडर 9.3 यूनिट, यानी जो लेंथ आप इधर लोगे वो रूट अंडर
में आ जाएगा ये लेंथ। इसका न्यूमेरिकली आप प्रूफ भी कर सकते हो, आपके बुक में रूट अंडर एक्स का प्रूफ किया हुआ है, ये ए बी को रूट अंडर एक्स यूनिट मान करके और इसको प्रूफ कर दिया है। आपको प्रूफ नहीं करना है, यहाँ केवल कंस्ट्रक्शन ड्रो करके बताना है। तो एक बार और देख लो, जो रूट अंडर के रूट अंडर में रहे अंदर में उतना यूनिट आप ले लिए ए बी, उससे 1 सेंटीमीटर आगे हम बढ़ गए और इस ए सी का मीट पॉइंट फाइंड कर लिए ओ, ओ ए एज ए रेडियस ड्रो ए सेमी सर्किल ऑल्सो ड्रो परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट बी इन मीट ए सर्कम सर्किल मीट एंड सेमी सर्किल एट डी ज्वाइन डी ओ इन राइट एंगल ओ बी डी एंगल बी 90 डिग्री और बी डी इज इक्वल टू 9.3। जो आपका लेंथ ए बी का होगा ये रूट अंडर आ गया, इसी को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, कंपास से दिखाया गया है, आप जितना ये लेंथ है उतना काट लो, आर्क ले लो, वही लेंथ आपका ये प्रूफ हो गया रूट अंडर 9.3। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है? तो इस टाइप का भी नंबर लाइन पर पूछ रहा है एग्जाम में, और आपको पढ़ना भी है कि नंबर लाइन पर रूट थ्री, तो रूट थ्री में आप कुछ नहीं करोगे, जैसे ये 9.3 था, आप रूट अंडर थ्री को रूट अंडर टू जान रहे हो? नहीं नहीं नहीं, रूट थ्री फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया। रूट थ्री को दिखाने के लिए पहले आपको रूट टू बनाना होगा, क्या बनाना होगा? रूट टू, जैसे देखिए रूट थ्री में पॉइंट नहीं है तो वो और आसान है, वो आपका मेथड जैसे रूट टू का है उसी ढंग से रूट थ्री करोगे। हाँ पूछता है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, अब जितना के आए अभी तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न मालूम है ना, 10 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। अभी रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन, यही पूछ रहे हो आप, रूट थ्री का पूछ रहे हो करके। तो रूट थ्री में आप पहले रूट टू को समझ लो, रूट टू तो आपको बनाने के लिए आता है, हम ये 1 यूनिट लिए और ये भी 1 यूनिट ले लिए, यहां पर 0, 1, 2 और थोड़ा प्रोड्यूस कर दो 3 भी ले लो और इधर 1 यूनिट काट दिए, तो ए बी और ये सी पॉइंट है। बता सकते हो एसी का लेंथ क्या होगा? अगर ये ए बी है 1 यूनिट, बी सी भी 1 यूनिट, तो एसी का लेंथ क्या होगा? रूट 2 यूनिट होगा। चलिए इतना तुम बनाने के लिए जान चुके हो फर्स्ट नंबर में, अब आपको क्या करना है, इस एसी पर जैसे आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, आप यहां भी एक लाइन ड्रॉ करो, इस एसी पर आपको 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है, इसको हटाओ,
इसको देने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये आप एक लाइन मान लो, एसी को बेस मान लो और एक आर्क लेकर के यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, जैसे भी कंपास से बनाते हो या प्रोटेक्टर से बनाओ, कोई प्रॉब्लम? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ये वन यूनिट है, सेम यहां पर वन यूनिट तुम काट, इधर भी वन यूनिट, ज्वाइन एडी, स्केल से एडी को ज्वाइन कर दो। अगर ये लेंथ रूट टू है और ये वन है, ये तुम्हारा रूट थ्री फिक्स है। इन राइट ट्रेंगल ए सी डी में ये राइट ट्रेंगल है, ये हाइपोटेनस है, यानी ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। क्या कर दिए? ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए सी रूट टू का स्क्वायर, लेंथ ऑफ सी डी वन का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस वन इज इक्वल टू रूट अंडर थ्री। ये क्या आ गया? रूट अंडर थ्री। कंपास रखो यहां पर और इसका नंबर लाइन पर ऐसे ले आओ, डी तक नाम दिए हैं, यहाँ ई कर दो, यानी ए ई इज इक्वल टू रूट थ्री यूनिट, ए इज इक्वल टू रूट थ्री यूनिट। बोलो रूट थ्री समझ में आया? जो रूट टू जान गया वही रूट थ्री बना सकता है। बोलिए रूट थ्री में किसी को प्रॉब्लम? रूट थ्री में किसी को प्रॉब्लम? हरे राम। रूट थ्री समझ में आया? बहुत अच्छे से। अगर रूट फाइव बनाना रहेगा तो आप कैसे बनाओगे? रूट फाइव अगर बनाना है तो आप हमको वहीं से समझा दो। हाँ, रूट फाइव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाँ, 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 गुड, तुम ठीक बताई हो, बताए हो, हाँ ठीक बताए हो। देखो ऐसे आप जो बताए वो बहुत अच्छा, वही मेथड होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे ही बनाता है। देखो यहाँ पर अगर ये जैसे आपका रूट टू आया, ये रूट थ्री आया, अगर यहाँ फिर 90 कर दो और ये वन यूनिट ले लो तो बताओ तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? अगर ये वन है और ये रूट थ्री है तो ये रूट अंडर फोर होगा। फिर यहाँ पर 90 बना दो और इसको ज्वाइन कर दो और ये वन यूनिट ले लो तो ये रूट अंडर फाइव हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो, ये रूट फाइव करने के लिए लॉन्ग मेथड है, इससे तुम्हारा जो कहा हुआ है वो इजी है। लेकिन इसको भी एक आता है प्रोजेक्ट में बनाने के लिए कि ऐसे अगर यही रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव अगर रूट सिक्सटीन तक के जाओ, रूट वन सिक्स यानी सिक्सटीन तक बनाते चले जाओ तो एक आपका ये कंप्लीट स्पाइरल बन जाएगा। अगर आप रूट टू रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव और ऐसा ही स्पाइरल एक प्लेन पेपर पर बनाते जाओ और कहां तक जाएंगे? रूट अंडर 16 तक, 16 तक, तो एक पूरा होल सर्किल, ये जो आप शेडर से दिखा रहे हो ना, एक ऐसा पूरा होल सर्किल बन जाएगा।
लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर फाइव root under 5 on the number line. Number line. तो एक line draw किए और अभी हरे राम बताया कि सर आप इस पर 2 units ले लीजिए, जैसे ये 1 है ये 2 है, ये equal length होना चाहिए, तो आप एक ही बार 2 units ले लीजिए और इस perpendicular पर 1 unit ले लीजिए, इसका लेंथ 2 यूनिट्स और इसका लेंथ 1 यूनिट और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो इस राइट ट्रायंगल से हम यहां ले लिए 2 यूनिट्स और ये 1 यूनिट, तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 रूट अंडर 5 यूनिट। ये क्या गया रूट अंडर 5 यूनिट। इस 5 को जितना लेंथ है इसको यहाँ से बढ़ जाएगी 2 पॉइंट कुछ होगा, तो डी नंबर लाइन तो मेरा ये है ए डी इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट। तो अभी हरे राम यही प्रोसेस बताया, यही करेक्ट है और एक स्पाइरल आपको बनाना है क्योंकि स्पाइरल बनाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके जल्दी एक क्वेश्चन हमको अभी बना करके आप दिखाएं, दे रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है इफ रूट 11 माइनस रूट 7 बाय रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल टू ए माइनस बी रूट अंडर 77 फाइंड ए एंड बी। तो जल्दी ए और बी का क्या होगा सॉल्यूशन आपको बताना है, अभी कर करके हमको जल्दी इसको बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए रूट 11 माइनस रूट 7 बाय रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल टू ए माइनस बी रूट अंडर 77 फाइंड ए एंड बी।